are watching BNS News. आज के हेडलाइन, साउथ कोरिया क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस को न्यू लीगल ऑब्लिगेशंस लाता है। हांगकांग वेब थ्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को सपोर्ट करता है। बाइनेंस सैफोस ओटीसी सेटलमेंट सॉल्यूशंस मिरर एक्स का इंटीग्रेशन अनाउंस करता है। हैश की एक्सचेंज ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बीटीसी यूएसडी एंड ईटीएच यूएसडी ट्रेडिंग पेयर्स लॉन्च किए। रॉबिनहुड को थर्ड लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर के रूप में रिवील किया गया है, जिसके पास $3 बिलियन बीटीसी है। विंटरम्यूट कॉइनबेस ओकेएक्स क्राकेन अक्रॉस $7 मिलियन ब्लर ट्रांसफर करता है। क्रिप्टो ल्यूमिनरी बेन आर्मस्ट्रांग स्कैम मीम कॉइन से रिलेटेड रिजाइन करते हैं। ओमन क्रिप्टो को एम्ब्रेस करता है जब शारिया कंप्लायंस के डिबेट चल रहे हैं। बैलेंसर $9 लाख एक्सप्लॉइट को कंफर्म करता है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी के बाद। बैलेंस P2P प्लेटफॉर्म से सैंक्शंस रशियन बैंक्स टू रिमूव करता है। डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क्स फ्रेंड टेक यूजर्स खो रहा है। वेटरन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने 2720 वेथ बेचकर 4.49 मिलियन डाई रेस किया। साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को सितंबर से $2.3 मिलियन रिजर्व्स एलोकेट करने की जरूरत है। ये मूव देश के एफर्ट्स का हिस्सा देखा जाता है, जिससे रैपिडली ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स इम्प्रूव किया जाए। हांगकांग के फाइनेंशियल सेक्रेटरी पॉल चेन स्मोपो ने रिसेंट ब्लॉग पोस्ट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए अपना सपोर्ट दोहराया, जिससे अननोन डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में नेक्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग ग्रोथ वेव के रूप में डिस्क्राइब किया। हांगकांग वेब थ्री टेक्नोलॉजी के ग्रोथ का सपोर्ट करने के लिए क्रिप्टो फ्रेंडली लेजिस्लेशन इनैक्ट करके और वेब थ्री टास्क फोर्स एस्टैब्लिश करके इस फील्ड में इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहा है। लीडिंग क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने इंस्टीट्यूशनल कस्टडी प्रोवाइडर सेफू के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनवील की है, इंट्रोड्यूसिंग एक इनोवेटिव ओवर द काउंटर्स सेटलमेंट सॉल्यूशन जिसे मिरर एक्स कहते हैं। हैश की एक्सचेंज हांगकांग सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन द्वारा फर्स्ट लाइसेंस वर्चुअल एसेट्स प्लेटफॉर्म है ने अनाउंस किया है कि वो ऑफिशियली बीटीसी यूएसडी एंड ईटीएच यूएसडी ट्रेडिंग पेयर्स को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन कर चुका है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स रॉबिनहुड ने एक सिंगल वॉलेट में ओवर $3 बिलियन बिटकॉइन होल्ड करता है, जो आर्कम इंटेलिजेंस के वॉलेट डेटा से पता चला। ये उन्हें थर्ड लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर बनाता है बिहाइंड क्रिप्टो एक्सचेंजेस बाइनेंस और बिटफिनिक्स, जो सिंगल वॉलेट्स पर रिस्पेक्टिवली $6.4 बिलियन और $4.3 बिलियन वर्थ ऑफ टोकन होल्ड करते हैं। ब्लर पूल एड्रेस, जिसका आइडेंटिफाई OXOD है, ने एक नेट वर्दी ट्रांसफर एग्जीक्यूट किया, मूविंग अ सब्सटेनियल अमाउंट ऑफ 49.7 मिलियन अनलॉक ब्लड टोकन्स, अप्रॉक्सीमेटली $13.3 बिलियन के बराबर वैल्यू। ये ट्रांसफर इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स की अटेंशन ग्रैब किया। रिनाउंड क्रिप्टोकरेंसी इन्फ्लुएंसर बेन आर्मस्ट्रांग ने अपनी पोजिशन को रिजाइन किया है हिट नेटवर्क बीजे इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग्स और इसके सब्सिडरी ब्रांड से, including the widely followed podcast BitBoy Crypto or About the Blockchain. Oman just strict Islamic principles or traditions ko follow karta hai. Cryptocurrency mining ke duniya mein enter hua hai. Desh ne crypto ke saath apni associations ko significantly enhance karne wale kuch investments announce ki hai. ये मूव कंट्री के प्लान के लाइन में है, जिससे वो हाईली कॉम्पिटिटिव रीजन में एक डिजिटल पावर हाउस के रूप में पोजीशन ला सके। ओमनी गवर्नमेंट ने नियरली $800 मिलियन के इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं, जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए डेडिकेटेड हैं। इसमें अबू धाबी में हेडक्वार्टर प्रोमिनेंट एंटिटी फिनिक्स ग्रुप के साथ एक $300 मिलियन पार्टनरशिप भी शामिल है।